अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे होंगे, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। हमारे पास अब जो टॉपिक है उसका नाम है टेंशन एंड स्ट्रेंथ। ठीक है, सो टेंशन एंड स्ट्रेंथ क्या होता है बेसिकली? सो इफ वी पुल बोथ एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग, आवर फिंगर्स विल फील अ फोर्स। दिस फोर्स इज कॉल्ड टेंशन इन अ स्ट्रिंग। ठीक है, अगर आप एक स्ट्रिंग के जरिए किसी ऑब्जेक्ट को हैंग करें, ठीक है, जिसका मास बेसिकली हमारे पास है एम, ठीक है, और इस स्ट्रिंग को आप अपने फिंगर से बांध लें, तो आप अपने फिंगर पर एक फोर्स फील करेंगे। दिस फोर्स इज टेंशन। ठीक है, और इसकी सेकेंड डेफिनेशन हमारे पास क्या है? व्हेन अ बॉडी ऑफ वेट डब्ल्यू इज केप्ट सबस्टेंडेड बाय स्ट्रिंग, द वेट ऑफ द बॉडी पुल्स द सीलिंग डाउनवर्ड वाइल द स्ट्रिंग पुल्स द बॉडी अपवर्ड विद एन इक्वल फोर्स। दिस फोर्स इज कॉल्ड एज टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, सो अगर हम किसी बॉडी जिस जिसके वेट को हम डब्ल्यू कह रहे हैं, उसको अगर हम सस्पेंड करवा दें किसी स्ट्रिंग के ज़रिए से, तो क्या होगा? वेट ऑफ द बॉडी पुल्स द सीलिंग डाउनवर्ड। ठीक है ना, वो जो हमारे पास बेसिकली बॉडी है जिसका वेट डब्ल्यू है, उस बॉडी को वेट जो है, उस बॉडी की वेट डब्ल्यू है, इसको अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है ना, फोर्स लगाकर। जबकि हम जिस स्ट्रिंग से इसको हमने बांधा हुआ है, इसको हमने होल्ड किया हुआ है, तो हम अपने फिंगर पर फोर्स फील करेंगे और इसका नाम है टेंशन। ठीक है, तो आप इसको अगर मैथ से जाएं, मैथ से देख लें, ठीक है, आप चाहें इसको वेट से देख लें, या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से देख रहे हैं, राइट? अच्छा, अब हमारे पास है मोशन ऑफ बॉडीज कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग। ठीक है, हम यहाँ पर देखना चाह रहे हैं कि बॉडीज के मोशन को हम देखें जिसको हमने जोड़ दिया है स्ट्रिंग की मदद से। सही है, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर है कि बोथ बॉडीज मूव वर्टिकली। हमने क्या किया हुआ है, हमने दोनों बॉडीज को वर्टिकल मूव करवाया हुआ है। अब ये किस तरह से होगा? तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पुली है, ठीक है, और इस पुली की मदद से हमने यहाँ से स्ट्रिंग पास किया, और एक बॉडी जिसके मास को हम कह रहे हैं M1, उसको हमने हैंग कर दिया, राइट, और एक और मास जिसको हम कह रहे हैं M2, इसको हमने यहाँ से इस तरह से हैंग कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास है, ये हमारे पास है M2, दिस इज आवर M2। ठीक है, सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास M1 ग्रेटर है M2 से। ठीक है, तो अब ये दोनों बॉडीज जो है मूव करेंगी वर्टिकल डायरेक्शन में। अगर ये बॉडी नीचे आएगा तो ये बॉडी ऊपर चले जाएगी, राइट, और एंड वाइस वर्सा, ऐसे ही होगा। तो लिहाजा अभी जो बॉडी है, इन दोनों बॉडीज की मोशन वर्टिकल है, तभी यहाँ पर लिखा हुआ है कि बोथ बॉडीज मूव वर्टिकली। अब ये जो हमारे पास दोनों बॉडीज हैं यहाँ पर M1 M2, जब ये मूव करेंगी, ठीक है, तो इन बॉडीज की एक्सेलरेशन होगी। सही है, तो एक्सेलरेशन ऑफ बॉडीज हैंग वर्टिकली। अब इन दोनों बॉडीज में प्रोड्यूस होने वाली एक्सेलरेशन, या पूरे सिस्टम की आप कह लें जो एक्सेलरेशन है, वो किस तरह मालूम की जाएगी? तो फॉर्मूला है ए इज इक्वल्स M1 माइनस M2 ओवर M1 प्लस M2 इंटू जी। सही है, तो इस फॉर्मूले से हम इस सिस्टम की एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे। और ये जो हमारे पास है टेंशन इन अ स्ट्रिंग, यानी कि जो हमारे पास इस स्ट्रिंग में टेंशन है, इस टेंशन को कैलकुलेट किया जाएगा बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, टी इज इक्वल्स टू M1 M2 ओवर M1 प्लस M2 इंटू जी। ठीक है, तो इन दोनों फॉर्मूलों से हम एक्सेलरेशन एंड टेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं इस सिस्टम की। ठीक है, जब हमारे पास दोनों बॉडीज वर्टिकल हैंग हो, ये बात आपने याद रखना है। अच्छा, इसके हम आते हैं बी में। तो बी में हमारे पास क्या है कि वन बॉडी मूव्स वर्टिकली एंड अदर मूव्स हॉरिजॉन्टली। ठीक है, अब हमारे पास इस वाले कंडीशन में क्या होगा, एक बॉडी मूव करेगी वर्टिकल। लेट से कि हमारे पास ये एक पुली है, और हमने जो है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल सरफेस हमारे पास है, और इस सरफेस पर हमने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसको हमने लाके यहाँ से कनेक्ट करा दिया है, और ये हमारे पास है इस तरह से एक और मैस। ठीक है, अब अगर ये बॉडी नीचे आती है तो ये ऑब्वियसली बात है आगे जाएगी, और अगर ये बॉडी आगे जाती है तो ये बॉडी ऊपर आएगी। तो इसका मतलब इसमें एक बॉडी जो है हमारे पास
वो वर्टिकल मूव कर रही है और एक बॉडी हमारे पास हॉरिजॉन्टल मूव कर रही है, तभी यहाँ पर लिखते हैं वन बॉडी मूव्स वर्टिकली एंड अदर मूव्स हॉरिजॉन्टल। सही है। अब डिसाइड कर लेते हैं कि भाई इसमें से M1 M2 कौन सा है। तो हमारे पास ये जो बॉडी है ये हमारे पास है M1, ठीक है। और इसमें हमेशा याद रखिएगा आप कि M1 हमारे पास ग्रेटर होगा M2 से, ये आपने याद रखना है। या आप ये कह लें कि जो बॉडी डाउनवर्ड है वो M1 है, बस आप ये कह सकते हैं जो बॉडी डाउनवर्ड है वो M1 है, ये सही है, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारे पास M2। अब हमारे पास कहते हैं कि द फोर्स जनरेटेड इन द स्प्रिंग अगेंस्ट द वेट एक्टिंग डाउनवर्ड इज कॉल्ड टेंशन। ये तो हमने पहले भी कह दिया, अब जाहिर बात है इसका वेट जो है ये डाउनवर्ड है, इसको हम कहेंगे W2 और रिएक्शन बनेगा इसका अपवर्ड, ये हो जाएगा R और इसका वेट डाउनवर्ड होगा W1, ठीक है। व्हेन वन बॉडी मूव्स वर्टिकली एंड अदर मूव्स हॉरिजॉन्टल ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज टी इज इक्वल्स M1 M2 ओवर M1 प्लस M2 इनटू G, ठीक है। तो बेसिकली ये हमें ये फॉर्मूला में ये बता रहा है कि अगर हमारे पास टेंशन कैलकुलेट करना है इस सिस्टम की, ठीक है ना, जिसमें एक बॉडी वर्टिकल मूव कर रही है और एक बॉडी हॉरिजॉन्टल, तो उसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ये वाला। तो अब टेंशन के दो फॉर्मूले, एक ये और एक ये, ठीक है। इस फॉर्मूले की खास बात यह है कि इसमें एक बॉडी हॉरिजॉन्टल मूव करेगी और एक बॉडी वर्टिकल मूव करेगी, सही है। और इस सिस्टम की जो एक्सेलरेशन है वो कैलकुलेट होगी इस फॉर्मूले से, ए इज इक्वल्स M1 ओवर M1 प्लस M2 इनटू G, ठीक है। व्हेन M1 मूव डाउनवर्ड, ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, जब M1 डाउनवर्ड मूव करेगी, जो बॉडी डाउनवर्ड मूव करेगी वो हमारे पास M1 होगा, ठीक है। अब इसके कुछ प्रॉब्लम्स हैं, न्यूमेरिकल्स हम उसको देखते हैं, ठीक है। हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें कहते हैं कि आ स्ट्रिंग पासेस ओवर स्मूथ पुली एंड कैरियस आर 2 kg मास, ठीक है। हमारे पास बेसिकली एक स्ट्रिंग जो है वो स्मूथ पुली से पास हो रही, 2 kg मास जो है उसके एक एंड पर है एंड अ 3 kg मास एट द अदर एंड, द एक्सेलरेशन ऑफ द मासेस। अब इसमें हमारे पास ये मेंशन नहीं है कि ये कौन सा वाला केस है कि यहाँ पे दोनों बॉडी वर्टिकल हैं या एक वर्टिकल है या एक हॉरिजॉन्टल है, सही है। तो आप ये मान के चलेंगे कि हमारे पास सिंपल ये केस नंबर 1 है, दोनों बॉडी वर्टिकल मूव कर रही हैं और जो बॉडी जिसका मास ज़्यादा है वो हमारे पास M1 है, ये आपको याद होनी चाहिए बात। अब हमें कहते हैं कि भाई बताएं कि द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस द एक्सेलरेशन ऑफ मैसेस, ठीक है ना, जो हमारे पास मैसेज हैं इनकी एक्सेलरेशन क्या होगी, राइट। तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, फॉर्मूला हमारे पास था ए इज इक्वल्स M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई G। M1 हमारे पास यहाँ पर है 3, M2 हमारे पास है यहाँ पर 2, सिंपली ये हो जाएगा 3 प्लस 2 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ जी इज, इसको आप सपोज कर लें 10, ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी हो जाए, सही है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर 3 माइनस 2 1, 1 ओवर 5, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 10, ये से कैंसिल करते हैं आप तो ये आ जाएगा 5, सॉरी ये आ जाएगा 2। तो ए हमारे पास यहाँ पर है 2 m/s². अब क्योंकि हमने यहाँ पर अप्रोक्सीमेट आंसर फाइंड आउट किया है, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट आंसर फाइंड आउट किया, तो जो हमारे पास जवाब है आंसर बेसिकली 2 के आसपास वाला है, तो ए हमारे पास राइट आंसर होगा 1.96, ठीक है। अब बी तो आप देखें तो बहुत बड़ी वैल्यू है, तो बी तो हो नहीं सकता, सी हमारे पास हो नहीं सकता, डी हमारे पास हो नहीं सकता, तो हमारे पास ए राइट आंसर है 1.96, क्योंकि ये 2 के करीब करीब है, ठीक है। हमारे पास अब एक क्वेश्चन है न्यूमेरिकल जिसमें लिखते हैं कि आई स्ट्रिंग पासिस ओवर अ स्मूथ पुली एंड कैरीज अ मास M1, ठीक है, एट वन एंड एंड अनदर मास M2 एट अदर, ठीक है। इफ M1 इज
थ्री टाइम्स एम टू देन एक्सेलरेशन ऑफ द मैसेजेस। ठीक है, कंडीशन क्या बताई जा रही है हमें कि जो बॉडी मास एम वन है, बॉडी वन का मास जो एम वन है, ये हमारे पास है थ्री टाइम्स ऑफ एम टू। ठीक है, अब बताइए बॉडी की एक्सेलरेशन क्या होगी। तो हमें पता है कि जब कोई भी कंडीशन या केस नहीं लिखी हुई आती है तो हम अज्यूम करते हैं केस ए ही है। ठीक है, कि दोनों बॉडी इसमें वर्टिकल हैंगे और दोनों वर्टिकल मूव कर रही हैं। ठीक है, तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होगा, बेसिकली एम वन माइनस एम टू, ठीक है, डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू मल्टीप्लाई बाई जी। ठीक है, अब एम वन हमारे पास है थ्री एम टू, इस एम टू को हमने कुछ नहीं करना है, इसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया। एम वन हमारे पास है थ्री एम टू, पुट कर दिया, एम टू को हमने ऐसे ही छोड़ दिया। ठीक है, जी अपनी जगह पर है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास टू एम टू, सही है, माइनस करवा लिया टू एम टू, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा फोर एम टू इन टू जी। अब एम टू से एम टू कैंसिल कर दें, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पर हाफ जी। तो ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर है, हाफ जी। ठीक है, अब हमने यहाँ पर बेसिकली डिस्कस करना है स्टोक्स लॉ, सही है। स्टोक्स लॉ क्या होता है, ठीक है, इसमें हम क्या चीज़ देख रहे होते हैं, ये किसकी स्टडी है, ये सारी बातें हम यहाँ पर करेंगे, सही है। सो स्टोक्स लॉ बेसिकली हमारे पास क्या है, द ड्रैग फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ स्फेरिकल ड्रॉपलेट ऑफ रेडियस आर, सही है, मूविंग विथ वेलोसिटी वी इन अ फ्लूइड हैविंग कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा इज गिवन बाय, सही है, ये हमारे पास है ड्रैग फोर्स। कहना ये चाह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर एक बीकर है, ठीक है, और इस बीकर में हमने फ्लूइड को फिल किया हुआ है, सही है, वी हैव अ फ्लूइड इन दिस बीकर। अब यहाँ पर स्फेरिकल ड्रॉपलेट को हम सपोज कर लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास स्फीयर है, ठीक है, अब ये जब इस लिक्विड में मूव करेगा तो ये अपने ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग ड्रैग फोर्स, ठीक है, और जिस वेलोसिटी से ये मूव करेगा इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं वी, ठीक है, ये रेडियस है आर, इस बॉल का रेडियस है, अगर मैं इस बॉल को दिखा सकूँ आपको स्फीयर, तो ये इसका रेडियस है आर, ठीक है, ईटा हमारे पास है कोफिशेंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, जो कि डिपेंड करती है नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर। अब यहाँ पे अगर हम वाटर फ्लूड रखेंगे, एज अ फ्लूड वाटर रखेंगे, या ग्लाइसरीन या फिर हनी, तो उन तमाम की नेचर मुख्तलिफ है, जो जितना विस्कस होता है, जितना गाढ़ा होता है, उसकी जो कोफिशेंट ऑफ विस्कोसिटी वो उतनी ज़्यादा होती है, सही, ईटा की वैल्यू ज़्यादा होती है। तो अगर यहाँ पर हम लोग सिंपल ये मान के चलें कि इस स्फीयर का रेडियस आर है, ये मूव कर रहा है फ्लूइड के अंदर इन जनरल, जिसकी वेलोसिटी है वी, और इस फ्लूइड की जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है उसको हमने लिख दिया ईटा से, तो ये फार्मूला बनेगा एफ यानी कि ड्रैग फोर्स सिक्स बाय ईटा आर वी। ठीक है, ये फार्मूला सिर्फ वैलिड होता है स्फीयर के लिए, ये आपने याद रखना है, ठीक है, सिर्फ किसके लिए है, हमारे पास स्फीयर के लिए। अब एक हमारे पास रिलेशन और भी है कि टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर और विस्कोसिटी, अगर हम टेम्परेचर और विस्कोसिटी का रिलेशन देखें तो ये इन्वर्स है, ठीक है, अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे, तो विस्कोसिटी कम हो जाएगी। ऐसा क्यों होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे जो हमारे पास लिक्विड है वो पतला हो जाएगा, पहले वो गाढ़ा है अब वो पतला हो जाएगा, सही है, पहले वो मोर विस्कस था अब वो थोड़ा सा लेस विस्कस होगा, तो उसकी विस्कोसिटी कम हो जाएगी, राइट। और मैंने आपको पहले बता दिया ये फॉर्मूला हमारे पास स्फीयर के लिए होता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर कुछ चीज़ें देखते हैं, एक वर्ड है हमारे पास इसको हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है स्टोक्स लॉ में।
टर्मिनल वेलोसिटी। बेसिकली हमारे पास ये जो वेलोसिटी है जिसको हम कह रहे हैं टर्मिनल वेलोसिटी, ये वेलोसिटी कौन सी है ये हमें देखना है। अगर ये स्फीयर इस बॉल में, ये बॉल जो है ये स्फीयर, ये अगर फ्लूइड में मूव करेगा तो वो अपने पर फोर्स फील करेगा, ये हमने पहले बता दिया आपको, ठीक है। अब इसी पिक्चर को अगर हम इस बॉल को इस फ्लूइड में दिखा दें कि ये बॉल जो है ये फ्लूइड में है, सही है, तो इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड होगा, राइट, और इसके ऊपर लगने वाली ड्रैग फोर्स जो है वो कहाँ होगी, अपवर्ड होगी, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि फ्रिक्शन फोर्स जो है बेसिकली वो हमारे पास रिवर्स डायरेक्शन में होती है, या आप कह लें इनवर्स डायरेक्शन होती है मोशन के, जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करती है उसके अपोजिट जो है हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स होती है। तो ये हमारे पास है अपवर्ड डायरेक्शन में ड्रैग फोर्स, ठीक है, वी हैव ड्रैग फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, ये हमारे पास है ड्रैग फोर्स। अब अगर हम इस बात को समझने की कोशिश करें, जैसे ही हम इस बॉल को इस लिक्विड में, इस फ्लूइड में छोड़ेंगे, तो शुरू में इसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही होगी, फिर एक वक्त आएगा इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो जाएगी। जब इस बॉडी की, इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो जाए, ठीक है, जब ये बॉडी जो है अपनी यूनिफॉर्म वेलोसिटी को अचीव कर ले, इसको हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, राइट, ये वेलोसिटी हमारे पास कहलाती है टर्मिनल वेलोसिटी, सही है। अब अगर हम लोग यहाँ पर और से देखें तो टर्मिनल वेलोसिटी हमारे पास बेसिकली क्या है, कंडीशन है जिसमें बॉडी जो वो बैलेंस हो जाती है। इसका मतलब इस बॉडी के ऊपर लगने वाली दो फोर्स है, एक वेट है और एक ड्रैग फोर्स है। इसका मतलब जो बॉडी की फोर्स है, वेट है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और जो ड्रैग फोर्स है वो हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन में, दोनों बराबर होंगी। इस कंडीशन पर हमारे पास जो बॉडी है वो बैलेंस होती है बेसिकली, ठीक है। अब W क्या होता है हमारे पास, वेट, जो कि mg के बराबर होता है, और ऊपर हमने ड्रैग फोर्स क्या कैलकुलेट किया है, फॉर्मूला क्या है इसका, 6π ईटा rv, सही है। अब हमें पता है कि ये वेलोसिटी कौन सी है, टर्मिनल, तो यहाँ पे आप लिख देंगे vt। अब हमने फाइंड आउट करना है vt, तो आप सिंपल क्या करेंगे, आप इसको सिंपल लिख सकते हैं mg अपॉन 6π, ठीक है, ईटा r इज इक्वल्स vt। सो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी vt बराबर है mg ओवर 6π ईटा r, ठीक है, 6π ईटा r। तो ये हमारे पास वेलोसिटी की एक फॉर्म आ गई, ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं। अब हम ये जानते हैं कि डेंसिटी क्या है, सो डेंसिटी हमारे पास बेसिकली मास अपॉन वॉल्यूम है। अगर हम डेंसिटी की बात करेंगे तो डेंसिटी क्या है, मास ओवर वॉल्यूम, ठीक है। सो डेंसिटी को हम लिखते हैं रॉ से, मास को हमने लिख दिया एम से, और ये आ जाएगा वॉल्यूम वी। अच्छा, वॉल्यूम यहाँ पर क्या है, तो स्फीयर है, तो हमें पता है कि स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³, राइट। अब तमाम वैल्यूज को यहाँ पर पुट करें आप, तो ये हो जाएगा रॉ इज इक्वल्स m/v, v किसके बराबर है, 4/3 πr³ के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से आप मास को सेपरेट करवा लें, तो यहाँ से आपके पास m की वैल्यू क्या आ जाएगी, m की वैल्यू आपके पास यहाँ से आ जाएगी 4/3 rho 4/3 pi,
ये मल्टीप्लाई करना है 4/3 पाए, ठीक है, रॉ इंटू आर क्यूब। अब इसको आपने पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में, पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में इसको पुट करें। तो जैसे ही आप इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारे पास बेसिकली यहां पर m है और हमने ये वैल्यू पुट करनी है, तो ये हो जाएगा vt इज इक्वल्स m, m किसके बराबर, इसके बराबर है, तो 4/3, सही है, पाए रॉ आर क्यूब डिवाइडेड बाई 6 पाए ईटा आर। अब ये 3 आगे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बनेगा 4/18, ठीक है, पाए रॉ आर क्यूब, ठीक है, डिवाइड बाई पाए एटा आर, ठीक है। तो ये हमने बेसिकली यहाँ पर जो वैल्यूज पुट की थी, तो यहाँ पे हमारे पास 4/3 पाए रॉ आर क्यूब, ये एम था और मल्टीप्लाई बाई जी, ठीक है। अच्छा, एक काम ये भी हो सकता है कि यहाँ पे हम लोग, क्योंकि हमने रेडियस सपोज किया हुआ था स्मॉल आर, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं स्मॉल आर, यहाँ पे लिख सकते हैं स्मॉल आर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आर क्यूब, ये हो जाएगा हमारे पास आर क्यूब, ठीक है, और यहाँ पे ये हो जाएगा आर क्यूब, रेडियस को हमने स्मॉल आर से लिखा था, राइट, तो ये हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास आर क्यूब, एंड यहाँ पर हमारे पास है जी, तो मल्टीप्लाई जी। अब ये पाई से पाई कैंसिल कर दें, ये आर कैंसिल हो जाएगा इससे, और ये इससे कैंसिल हो रहा है, तो ये बचेगा हमारे पास वी टी इज इक्वल्स 2/9, ठीक है, 2/9 जी आर स्क्वायर इंटू रॉ, सही है, डिवाइड बाई ईटा। तो दिस इज द अनदर फॉर्म ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी, ये वेलोसिटी की दूसरी फॉर्म है, जिसमें हमने क्या किया, जस्ट मास को हमने सब्स्टिट्यूट करवाया है, राइट। तो ये हमारे पास बेसिकली स्टोक्स लॉ है, जिसमें हमने बॉडी को लिक्विड में मूव करते हुए देखा, ठीक है, बॉडी को हमने बेसिकली यहाँ पर फ्लूइड में मूव करते हुए देखा, राइट। अब एक कंडीशन हमने यहाँ पर डिफाइन की है कि बॉडी की जो वेट है वो बराबर हो जाएगी ड्रैग फोर्स की, जब ऐसा होगा तो बॉडी जब बैलेंस हो जाएगी, बॉडीज आर बैलेंस, और जब बॉडी बैलेंस हो जाएगी और इस कंडीशन पर हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो क्या आएगी, ज़ीरो, ठीक है। ये बात इम्पॉर्टेंट थी तो मैंने आपसे शेयर किया, बाकी तमाम चीज़ें हमने यहाँ पर कर ली स्टोक्स लॉ में। अब हम लोग देखेंगे फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन हमारे पास क्या है। तो जब हम लोग फ्रिक्शन की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं फ्रिक्शन के क्लासिफिकेशन, सही है, कि फ्रिक्शन को हम लोग किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास फ्रिक्शन जो है वो क्लासिफाई होता है दो तरह से, एक हमारे पास फ्लूइड फ्रिक्शन, सही है, ये वो फ्रिक्शन है जो कि हमारे पास फ्लूइड में, ज़ाहरी बात फ्लूइड हम यहाँ पर अज्यूम करते हैं लिक्विड एंड गैस, सही है, दोनों ये फ्लूइड में शामिल होते हैं। एंड नंबर सेकंड वन इज ट्रांसलेशनल फ्रिक्शन, ठीक है, जो कि ज़ाहरी बात है किसी सॉलिड बॉडी में पाई जाएगी, जैसे गाड़ी मूव कर रही है वगैरह वगैरह, सही है। अब ट्रांसलेशनल फ्रिक्शन जो है वो फर्दर डिवाइड होता है, एक स्टैटिक फ्रिक्शन और एक डायनामिक फ्रिक्शन, सही है। अब स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, तो वो फ्रिक्शन जो ऑफर हो किसी ऑब्जेक्ट को जब वो रेस्ट में हो, सही है, इसको कहते हैं हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन। डायनेमिक फ्रिक्शन क्या होता है भाई, ये वो फ्रिक्शन होती है जो कि किसी ऑब्जेक्ट को ऑफर होती है जब वो मूव कर रही हो, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन फिर क्लासीफाई होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन में,
एंड डायनेमिक फ्रिक्शन पर क्लासिफाई होता है रोलिंग फ्रिक्शन एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इसकी आगे हम लोग बात करेंगे। एक बॉडी रोल कर रही है बेसिकली, तो हम कहेंगे कि इस वक्त जो फ्रिक्शन इसको ऑफर हो रही है वो हमारे पास है रोलिंग फ्रिक्शन, राइट। और जब कोई बॉडी स्लाइड कर रही है तो ड्यूरिंग स्लाइड जो बॉडी को फ्रिक्शन ऑफर हो रही है ये कहलाती है हमारे पास स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो इस तरह से हमने फ्रिक्शन को क्लासीफाई कर लिया। अब आते हैं पॉइंट्स के जाने। नंबर वन देखें, द फोर्स विच रेजिस्ट द मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड रेजिस्टिव फोर्स और अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। एक बॉडी है, ठीक है, अब वो मूव करना चाह रही है। सपोज डैट कि हमारे पास एक बॉडी है, ये बॉडी हमारे पास इस डायरेक्शन में। अब अगर हमारे पास ये बॉडी इस डायरेक्शन में जाना चाह रही है, सही है, मूव करना चाह रही है, तो इसको एक फोर्स जो है वो रोकेगी, एक फोर्स इसको रोकेगी, क्या करेगी, रोकेगी, तो इसको कहते हैं रेजिस्ट करना, ठीक है। ये जो रोकने वाली फोर्स है इसको हम कहते हैं रेजिस्टिव फोर्स, ठीक है, या फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर है पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू पे आइए, फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स पैरेलल टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट एंड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। फ्रिक्शन फोर्स जो है वो हमेशा एक्ट होती है सरफेस के पैरेलल। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास सरफेस है, ठीक है, जहाँ पे ये ऑब्जेक्ट मूव करेगी, तो ये सरफेस इसके साथ किस डायरेक्शन में है, पैरेलल डायरेक्शन में ना। रोड और गाड़ी जो है इनका जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, पैरेलल होता है। तो यही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है बेसिकली हमारे पास ये रोड, ये सरफेस, ये इसकी डायरेक्शन है पैरेलल, लेकिन जो फोर्स लग रही है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगती है, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा सरफेस से पैरेलल होती है और जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है उसके एग्जैक्टली अपोजिट होती है। तो बॉडी की मोशन इस डायरेक्शन में है तो इस डायरेक्शन में हमारे पास क्या है, फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, राइट। पॉइंट नंबर थ्री, स्टैटिक फ्रिक्शन डज नॉट अलाउ अ बॉडी टू मूव, इट इंक्रीजेज विद द इंक्रीमेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो बॉडी को अलाउ नहीं करती कि वो मूव करे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ये एक ब्लॉक है और ये ब्लॉक किसी सरफेस पर रेस्ट पोजीशन पर है, हम ये चाह रहे हैं इसको यहाँ से फोर्स लगाकर चला दें, मूव करा दें, लेकिन ये मूव नहीं करना चाहेगी क्योंकि इसको सरफेस जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्ट करेगी, सही है, फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्ट करेगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब ये जो हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है बेसिकली ये अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स है, जिस तरह अप्लाइड फोर्स हम बढ़ाते देंगे तो जो सरफेस के फ्रिक्शन फोर्स है वो भी बढ़ती जाएगी, तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। फिर कहते हैं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। जो हमारे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है वो बेसिकली मैक्सिमम वैल्यू होती है स्टैटिक फ्रिक्शन की, यानी कि उस वैल्यू तक स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है बेसिकली उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाती है उस पॉइंट पर। When a body slides over a surface, friction is called kinetic friction. ठीक है, अगर वो body move कर रही है during motion जो है basically उसको friction offer हो रही है तो ये friction कहलाएगी kinetic friction. क्योंकि आप जानते हैं कि kinetic की meaning क्या होती है, kinetic की meaning होती है motion, right? तो ये वो friction है जो किसी body को offer होती है during motion. द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बिटवीन वेरियस लेयर्स ऑफ अ फ्लूड इज कॉल्ड विस्कोसिटी। ठीक है, यह भी हमने स्टोक्स लॉ में देखा भी है कि अगर हमारे पास डिफरेंट लेयर्स है फ्लूड के, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बीकर में मौजूद कोई फ्लूड है, लिक्विड है, अब इसके डिफरेंट लेयर्स हैं, तो डिफरेंट लेयर्स में जो फ्रिक्शन मौजूद है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस जो मौजूद है फ्लूड की, वो कहलाती है विस्कोसिटी, राइट। आगे मजीद इसके पॉइंट्स हम देखते हैं।
आगे हमारे पास कहते हैं कि द फ्रिक्शन ऑफ फ्लूइड्स टू द सॉलिड बॉडीज इज कॉल्ड फ्लूइड फ्रिक्शन और विस्कस ड्रैग। बेसिकली हमारे पास जो सॉलिड बॉडीज जब मूव करती हैं किसी फ्लूइड के अंदर, ठीक है ना, जैसे यहाँ पर हमारे पास लिक्विड है, हमने स्टोक्स लॉ में देखा भी था कि हमने बॉडी को बेसिकली रिलीज किया था फ्लूइड के अंदर, सही है। तो हमारे पास क्या हो रहा है, वो बॉडी जब फ्लूइड में मूव करेगी वो सॉलिड है, वो स्फेयर है, राइट। तो ये जब हमारे पास सॉलिड बॉडी मूव करेगी ये कहलाएगी फ्लूइड फ्रिक्शन और विस्कस ड्रैग। यानी कि अगर इस बॉडी की जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो डाउनवर्ड है तो इस बॉडी पर लगने वाली ड्रैग फोर्स कहाँ होगी, अपवर्ड होगी, और इसी ड्रैग फोर्स को हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। और ये पहले ही हमने बात की है कि जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स होगी, राइट। तो अभी इस वक्त हमारे पास जो ड्रैग फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में ड्रैग फोर्स, ठीक है। फिर कहते हैं कि द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टेक्ट इज कॉल्ड कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। कहना ही चाह रहे हैं कि हमारे पास अगर कोई बॉडी है और वो बॉडी किसी सरफेस के ऊपर प्लेस हुई हुई है, ठीक है, तो इसका जो वेट है वो हमारे पास सेंटर से डाउनवर्ड है, राइट। और रिएक्शन फोर्स कहाँ है, हमारे पास अपवर्ड है। इसको पढ़ते हैं नॉर्मल रिएक्शन या फिर रिएक्शन फोर्स, जो कि सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री पर होता है, सही है। अगर हम रेशियो निकालें नॉर्मल रिएक्शन का, ठीक है, और वेट का, जो कि डाउनवर्ड है, तो इससे हमें क्या देखने को मिलेगा, इससे हमें देखने को मिलेगा कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, जो कि बराबर है म्यू आर के। अब ये कैसे होता है तो इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। बेसिकली यहाँ पर हमारे पास जो फ्रिक्शन फोर्स होगी वो कुछ इस तरह से होगी कि म्यू हमारे पास बराबर हो जाएगा एफ डिवाइड बाई आर के, ठीक है। आर हमारे पास है रिएक्शन फोर्स, और सपोज डैट के बॉडी जा रही है इस डायरेक्शन में, या बॉडी जा रही है सपोज डैट इस डायरेक्शन में, बॉडी की मोशन इस डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन में बॉडी को फ्रिक्शन ऑफर हो जाएगी। अब इनका रेशियो निकालें आप तो आपको मिलेगा म्यू, जिसको हम पढ़ते हैं कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। और ये फॉर्मूला हमने ऐसे ही बनाया है, इसको अलग करेंगे तो ये हो जाएगा एफ इज इक्वल्स म्यू मल्टीप्लाई बाई आर, सही है, दिस इज द फॉर्मूला। और क्योंकि आर हमारे पास वेट के बराबर होता है, बॉडी वाई एक्सिस पर भी तो मूव नहीं कर सकती ना, सिर्फ एक्स पर मूव कर रहे हैं इस केस में, तो इस वाले केस में हमारे पास आर जो है वो डब्ल्यू के बराबर है, इसीलिए हमने यहाँ पे इस आर को डब्ल्यू से रिप्लेस किया, तो हमने क्या लिखा हुआ है एम जी, सही है। तो आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं कि एफ इज इक्वल्स म्यू इंटू डब्ल्यू, और ये हो जाएगा म्यू मल्टीप्लाई बाई एम जी, क्योंकि वेट किसके बराबर होता है, एम जी के बराबर होता है, राइट। तो यहाँ पर म्यू एम जी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, हमारे पास कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन की भी दो टाइप होती है, एक कोफिशियंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन जिसको हम कहते हैं म्यू के। अब ये कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन ऐसी बात है जब बॉडी मूव करेगी, है ना, काइनेटिक की बात कब करते हैं, जब बॉडी मूव करती है, राइट। तो ये वो फ्रिक्शन है जो कि काइनेटिक फ्रिक्शन कहला रही है, जब बॉडी मोशन में है तो हमें देखने को मिल रहा है फ्रिक्शन ऑफर हो रही है उस बॉडी को। तो जो रेशियो आएगा हमारे पास, ये रेशियो बनेगा, तो यहाँ पर हम के लिखेंगे। नंबर टू हमारे पास है कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस। तो म्यू एस की मीनिंग ये होती है कि जब बॉडी रेस्ट में है और उसको रेजिस्टेंस ऑफर हो रही है, फ्रिक्शन फोर्स ऑफर हो रही है बेसिकली, ठीक है, तो म्यू एस कहलाता है। अब आप सोच के बताएं कि भाई एक बॉडी रुकी हुई है उसको चलाना आसान है या एक चलती हुई बॉडी को चलाना आसान है, तो एक रुकी हुई बॉडी को चलाना मुश्किल है क्योंकि उसको उसके पास स्टैटिक फ्रिक्शन है जो कि सरफेस ऑफर करेगी। तभी यहाँ पर आप देखें कि म्यू एस की वैल्यू बड़ी है एज़ कम्पेयर टू म्यू के, ठीक है। तो म्यू एस की वैल्यू ज़्यादा क्यों है, ज़्यादा इसलिए है कि स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होती है काइनेटिक से।
ये दोनों वैल्यूज डिपेंड किस पे करेंगी, नेचर ऑफ द सरफेस के ऊपर डिपेंड करेंगी, सही है, कि हमने बॉडी को किस सरफेस के ऊपर प्लेस किया है, इधर वो रफ सरफेस है या फिर हमारे पास वो स्मूथ सरफेस है। सरफेस जैसी भी हो फ्रिक्शन लेस नहीं होती है, ठीक है। फ्रिक्शन लेस से मुराद ये होता है कि ऐसी सरफेस जहाँ पर फ्रिक्शन मौजूद ही ना हो, तो फिर ये बन जाती है आइडियल सरफेस जो कि एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। हम लोग मान के चलते हैं कि फ्रिक्शन लेस सरफेस है, बट ऐसा होता नहीं है, राइट। तो ये यहाँ पर हमने बिल्कुल कवर किया फ्रिक्शन, इसको हमने क्लासीफाई किया, इसके हमने पॉइंट्स देखे सारे कि किस तरह से एक्ट करता है, और फिर इनके रेशियोज क्या मिल जाती है हमें, ठीक है, लाइक दिस। और फिर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, ये डिपेंड किस पे करता है, वगैरह वगैरह। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे लीनियर मोमेंटम, सही है। बेसिकली हमारे पास लीनियर मोमेंटम क्या होता है, तो मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन पजेसेस बाय अ बॉडी ऑफ मास एम मूविंग विद वेलोसिटी वी एंड मास एम, ठीक है। तो बेसिकली एक बॉडी है जो कि मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में, सही है। अब जब वो बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी तो उस बॉडी में प्रोड्यूस होने वाली मोशन जो है उसकी क्वांटिटी कितनी होगी, ये हमें बताएगा लीनियर मोमेंटम, सही है। फॉर्मूला क्या होता है इसका, तो मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, तो फॉर्मूला इसका है पी इज इक्वल्स एम वी, ठीक है। ऐसा यूनिट हमारे पास बन जाती है न्यूटन सेकेंड, और इसको हम लिख सकते हैं के जी मीटर पर सेकेंड। मास की यूनिट हमारे पास केजी है और वेलोसिटी की यूनिट हमारे पास मीटर पर सेकेंड है। इसकी एक और स्टेटमेंट है, द फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। हमारे पास जो बेसिकली फोर्स है वो बराबर है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो इसको आपने याद रखना है डायरेक्टली, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, ठीक है। अब अगर हमारे पास चेक करना हो भाई ये फॉर्मूला सही है, तो हम क्या करेंगे, मोमेंटम की हम चेक कर लेंगे यूनिट, तो इसको यहाँ भेजें, ये बनेगा न्यूटन मल्टीप्लाई बाई सेकेंड, तो देखें न्यूटन सेकेंड और लिखा हुआ है ना केजी, तो इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक बात है। अब इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है जिसमें कहते हैं कि अ टेनिस बॉल हिट विद अ टेनिस रैकेट एंड द चेंज इन द मोमेंटम ऑफ द बॉल इज 4 kg मीटर पर सेकेंड, इफ द कोलिजन टाइम ऑफ द बॉल एंड द रैकेट इज 0.01 सेकेंड, वॉट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एग्जर्टेड बाय द बॉल ऑन रॉकेट ऑन रैकेट, ठीक है। तो अभी हमने आपको बताया है कि फोर्स क्या है, फोर्स बेसिकली हमारे पास है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, राइट। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया हमसे, हमसे कोलिजन टाइम हमें बताया गया 0.01, कहते हैं कि कितना फोर्स एग्जर्ट करेगा ये बताइए, तो मोमेंटम का चेंज कितना दिया हुआ है 4, है ना, 4 kg मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे पोट करेंगे हम लोग 4, और टाइम कितना है 0.01। अब मैं ये चाहता हूँ कि डेसिमल ख़त्म करूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और ऊपर हम लगा देंगे बेसिकली 2 0, इनके यहाँ पर 2 डेसिमल है, ठीक है, 1 2। अब सिंपल है ये, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा हमारे पास 400 न्यूटन, ठीक है, 400 न्यूटन, जो कि हमारे पास डी है राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, तो याद रखें ये जो कंजर्वेशन है, ये जो वर्ड है कंजर्वेशन, ये बेसिकली आया है कंजर्व से, ठीक है, कंजर्व से, जिसकी मीनिंग होती है कांस्टेंट, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहती है, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड टू अ सिस्टम, अगर सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स बाहर से एक्ट नहीं हो रही है, सही है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है, तो जो हमारे पास सिस्टम का टोटल मोमेंटम है वो कांस्टेंट है, द टोटल मोमेंटम ऑफ दैट सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ठीक है। और सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम आएगा वो क्या आएगा, कॉन्स्टेंट आएगा। ये कंडीशन उस वक्त है जब सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगी, ये बार आपने याद रखना है, ठीक है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की एक इक्वेशन भी होती है जिसको हम लिखते हैं m1 u1 + m2 u2
इज इक्वल्स एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू, राइट। ये हमारे पास है पूरा पार्ट बिफोर कोलिजन और ये हमारे पास है पूरा पार्ट आफ्टर कोलिजन। दो बॉडीज होती हैं बेसिकली, वो टकरा जाती हैं तो उनका जो मोमेंटम है बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन वो कंजर्व रहता है, ये आपने याद रखना है, सही है। अब इसके एक न्यूमेरिकल है वो हम लोग देखते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास जिसमें लिखा हुआ है कि अ राइफल विद अ मास ऑफ 0.20 केजी, ठीक है। हमारे पास एक राइफल है जिसका मास दिया हुआ है 0.20 केजी, फायर्स अ बुलेट ऑफ 0.50 ग्राम विद एन इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, 100 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द राइफल, राइफल की रिकॉइल वेलोसिटी क्या होगी हमने ये बताना है। यानी कि जब राइफल से जो है बुलेट, ठीक है ना, फायर होगा तो बुलेट जो है वो आगे जाएगा अल्टीमेटली और वो राइफल जो है वो पीछे आ जाएगा, इसको हम कहते हैं रिकॉइल। अभी कितने रफ्तार से पीछे आएगा ये हमने मालूम करना है, जिसको हम कहते हैं रिकॉइल स्पीड या फिर वेलोसिटी, राइट। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या है, शॉर्टकट, शॉर्टकट फार्मूला हमारे पास ये है कि एम वन वी वन इज इक्वल्स एम टू वी टू, ठीक है, जस्ट आपने ये अप्लाई करना है। अब यहाँ पर आप सपोज करेंगे अगर आप एम वन राइफल के मास को लिख रहे हैं, ठीक है, और इसके मास को आप एम टू लिख रहे हैं, तो फिर जो बुलेट की वेलोसिटी है ये वी टू लिखा जाएगा, क्योंकि आपने बुलेट के मास को एम टू लिखा, तो इसकी वेलोसिटी क्या बनेगी, वी टू, और अल्टीमेटली वी वन की हमें फिर तलाश होगी, सही है। एम वन हमारे पास है 0.20 इंटू वी वन, एम टू हमारे पास है 0.50 ग्राम, तो इसको मैं डिवाइड करता हूँ 1000 से, एक के जी में आ जाएगा। वी टू, वी टू हमारे पास कितना है 100, ठीक है, तो ये दो जीरो से दो जीरो कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ पर सिंप्लीफाई होकर क्या बचेगा, अच्छा इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 20/100, सही है, इंटू वी वन। ये मैंने कैसे किया है, तो बेसिकली यहाँ पॉइंट है ना, हटा दिया इसको हमने, तो 20/100 हो जाएगा इज इक्वल्स, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि 50 ओवर, यहाँ पर फिर डेसिमल के बाद दो डिजिट है तो यहाँ पर 10 बचा और मल्टीप्लाई भी दो जीरो आ जाएगा, है ना। अब ये क्या हो सकता है मजीद, अगर हम यहाँ से वी वन को फाइंड आउट करें तो ये हो जाएगा वी वन इज इक्वल्स, ठीक है, 50 × 100/20 × 10 × 100, सही। तो ये 100 से 100 कैंसिल कर देते हैं, अब हम लोग यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर सकते हैं और ये हो जाएगा 1/4, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास वी वन की वैल्यू आ रही है 1/4। अच्छा 1/4 की मीनिंग क्या होती है, एक का हमने जो है वो एक को हमें डिवाइड करना है चार हिस्सों में, तो ये हो जाएगा 0.25 सिंपल मीटर पर सेकेंड, तो ये हमारे पास आ गई वेलोसिटी, ए हमारे पास है राइट आंसर 0.25 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो ये हमने उस राइफल की रिकॉयल वेलोसिटी को हमने कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि इम्पल्स हमारे पास क्या है, ठीक है। व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज इम्पल्सिव फोर्स, ठीक है। अगर एक बॉडी पर बहुत थोड़े टाइम के लिए फोर्स अप्लाई हो रही है तो ये फोर्स कहलाती है इम्पल्सिव फोर्स, ठीक है, और इसको सिंपल हम लोग इम्पल्स भी कहते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला हमारे पास ये कि इम्पल्स बराबर है फोर्स इंटू टाइम, ठीक है, इम्पल्स बराबर हमारे पास किसके, फोर्स इंटू टाइम के, राइट। इम्पल्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन इज द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम, सही है। तो बेसिकली हमारे पास इम्पल्स की जो डायरेक्शन होती है वो एग्जैक्टली वही होती है जो हमारे पास मोमेंटम की डायरेक्शन होती है, या आप कह लें कि मोमेंटम के चेंज जो उसकी होती है डायरेक्शन, वही सेम डायरेक्शन होती है, राइट। तभी हमने यहाँ पे लिख दिया है आई बराबर है डेल्टा पी के, यानी कि फोर्स इंटू टाइम को रिप्लेस कर दिया हमने डेल्टा पी से। अब ये कैसे किया है, तो हमें पता है भाई कि फोर्स किसके बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, सही है,
रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स. तो इस टाइम को यहाँ भेजें तो ये बन जाएगा डेल्टा पी इज इक्वल्स फोर्स इंटू टाइम. तो यहाँ पर लिखा हुआ था फोर्स इंटू टाइम, राइट. इस फोर्स इंटू टाइम को हमने रिप्लेस किससे कर दिया, डेल्टा पी से. तो यहाँ पर क्या आ रहा है, डेल्टा पी आ रहा है. अब इम्पल्स की यूनिट क्या बनेगी, तो ऐसी बात है इम्पल्स बराबर है चेंज इन मोमेंटम के. तो जो मोमेंटम की यूनिट है वही इम्पल्स की यूनिट बनेगी. तो इसका मतलब है यहाँ पर क्या आएगा, न्यूटन सेकेंड, ठीक है, जो कि इम्पल्स की यूनिट है. तो इम्पल्स हमारे पास क्या है, इम्पल्स बेसिकली हमारे पास वो फोर्स है, वो फोर्स जो किसी बॉडी पर बहुत थोड़े वक्त के लिए एक्ट होती है, इसको हम कहते हैं इम्पल्स, ठीक है. अब हम लोग आते हैं कोलिजन की जानिब. कोलिजन क्या होता है, तो कोलिजन बेसिकली हमारे पास क्या है, कोलिजन हमारे पास एक आप कह सकते हैं कि फेनोमेना है जिसमें बॉडीज जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स एग्जर्ट करती हैं, सही है, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाती हैं. तो ये बेसिकली हमारे पास कोलिजन कहलाता है, ठीक है. मतलब बहुत शॉर्ट टाइम के लिए जब बॉडी जो है वो फोर्स एग्जर्ट करें दूसरे पर, वो हम फिर हम इसको कहते हैं कि एक कोलिजन है. अब कोलिजन को हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं दो टाइप के अंदर, सही है. एक हमारे पास है इलास्टिक कोलिजन और एक हमारे पास है इन इलास्टिक कोलिजन. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि वॉट इज इलास्टिक कोलिजन, ठीक है. इलास्टिक कोलिजन क्या होती है, सो इलास्टिक कोलिजन हमारे पास बेसिकली क्या है कि एन इन इन एन इलास्टिक कोलिजन इज दैट इन विच मोमेंटम ऑफ द सिस्टम एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन इज कंजर्व, ठीक है. इलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन होती है जिसमें हमारे पास मोमेंटम सिस्टम की और एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी दोनों कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद सेम होती है, ठीक है. तो इसको हम कहते हैं ये इलास्टिक कोलिजन है. अच्छा आगे देखते हैं, आगे हमारे पास आएगा इन इलास्टिक कोलिजन, सही है. तो इसमें क्या होगा, इन इलास्टिक कोलिजन हमारे पास क्या है, सो बेसिकली इन एन इन इलास्टिक कोलिजन इज दैट इन विच द मोमेंटम द टोटल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन इज कंजर्व बट द काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन चेंज. तो इस कोलिजन में हमारे पास बेसिकली सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम है बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन वो तो कांस्टेंट होता है, बट हमारे पास जो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी होती है बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन वो चेंज हो जाती है. अब यही डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस है इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन में, सही है. अब हमारे पास डिफरेंट केसेस होते हैं, सबसे पहले इनको हम देख लेते हैं. तो हमारे पास केसेस ऑफ इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, सही है. वन डायमेंशन में हम केसेस डिस्कस करने जा रहे हैं. तो केस नंबर वन हमारे पास क्या है, इफ द मैसेज ऑफ टू बॉडीज आर इक्वल, ठीक है. अगर हमारे पास दो बॉडी के मैसेज इक्वल हैं देन देयर वेलोसिटीज ऑफ टू कोलाइडिंग बॉडीज आर इंटरचेंज. तो उनकी वेलोसिटीज क्या हो जाएंगी, इंटरचेंज हो जाएंगी. अब ऐसा कैसे होगा, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो बॉडी हैं जिनके मैसेज इक्वल हैं, तो हम इसको एम वन कह देते हैं और एक और बॉडी है उसके मास को हम लोग एम टू कह देते हैं. लेट से कि इसका मास हमारे पास है एम वन और एक और बॉडी है इसके मास को भी हम कह रहे हैं एम वन, ये चलें इसको आप एम टू कह लें, ठीक है. लेकिन ये दोनों बराबर हैं तो इसको आप लिख सकते हैं कि एम वन जो है वो एम टू के बराबर है, राइट. अब फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको याद होगा हमने इंटरमीडिएट में वी वन के लिए फॉर्मूला बनाया था, वो ये था कि एम वन माइनस एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई यू वन प्लस टू एम टू ओवर एम वन प्लस एम टू इंटू यू टू. अब आप गौर से देखें, अगर एम वन एम टू बराबर है तो इसका मतलब ये तो माइनस हो रहा है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये पूरी चीज़ यहाँ से कैंसिल, ज़ीरो, क्योंकि एम वन बराबर है एम टू के, राइट. तो ये डिफरेंस लेंगे ज़ीरो आ जाएगा. अब एम वन बराबर एम टू है इसका मतलब यहाँ पे टू एम टू है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, एम वन प्लस एम टू है. तो अगर आप यहाँ पे एम वन की जगह पर एम टू पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू एम टू आ जाएगा. चलें इसको मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ. तो ये हो जाएगा टू एम टू अपॉन एम वन किसके बराबर है, एम टू के बराबर है, और ये हो जाएगा एम टू, ठीक है.
ये आ जाएगा एन टू यू टू। अब ये पूरी चीज़ ऐड होगी टू एम टू, इसका मतलब ये कैंसिल वन, तो वी वन किसके बराबर आया, यू टू के। देखें वी वन किसके बराबर आया, यू टू के। जो वेलोसिटी है वो क्या हो गई, इंटरचेंज हो गई, राइट। अब ऐसे ही हम लोग वी टू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वी टू कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो वी टू कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, वेलोसिटी हमारे पास ये है टू एम वन, ठीक है, ओवर एम वन प्लस एम टू इंटू यू वन प्लस एम टू माइनस एम वन ओवर एम वन प्लस एम टू इंटू यू टू। अब आप गौर से देखें तो ये तो फिर कैंसिल ज़ीरो हो जाएगा, एम वन एम टू क्योंकि हमारे पास सेम है तो ये ज़ीरो हो जाएगा यहाँ पर, राइट। और अगर ये ज़ीरो हो जाएगा तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, सिर्फ ये वाली वैल्यू बचेगी, राइट। और फिर से वही बात कि एम वन टू एम वन यहाँ पर है और ये हो जाएगा एम वन प्लस एम टू। इस एम टू की जगह पर आप एम वन पुट करेंगे, चलें यहाँ पर कर लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा टू एम वन, ये तो हो गई पूरी चीज़ ज़ीरो, टू एम वन। और नीचे हमारे पास है एम वन प्लस एम टू, एम वन को हमने ऐसे ही छोड़ना है, एम टू हमारे पास किसके बराबर है, एम वन के बराबर है, तो यहाँ पे पुट कर दिया आपने एम वन और ये आ जाएगा यू टू। अब अल्टीमेटली ये ऐड होगा, टू एम वन आएगा, ये सब कुछ कैंसिल, वन बचा, तो वी टू हमारे पास किसके बराबर आया, यहाँ से वी टू हमारे पास यू टू के बराबर आया, सही है। तो यहाँ पे देख लें आप, वी टू हमारे पास सॉरी, यहाँ पर हमारे पास यू वन है, तो ये हमारे पास है बेसिकली यू वन, ठीक है, यू वन के बराबर आया। तो आप देख लें वेलोसिटीज क्या हो रही हैं, इंटरचेंज हो रही हैं, राइट। अब ऐसे ही हमारे पास है केस नंबर टू। केस नंबर टू में लिखा हुआ है कि व्हेन एम टू इज इनिशियली एट रेस्ट, अगर एम टू इनिशियली रेस्ट में है तो यू टू जो है ज़ीरो होगा, यानी कि उस बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जाएगी। अब फॉर्मूला यही है, देखें फॉर्मूला ये लिखा है ना, फॉर्मूला यही है, यू टू ज़ीरो हुआ मतलब ये सब कुछ ख़त्म हो गया, तो क्या बचा, एम वन माइनस एम टू ओवर एम वन प्लस एम टू इंटू यू वन, ठीक है। और वी टू क्या बचेगा, अगर यू टू ज़ीरो है ये सब कुछ कैंसिल, खाली क्या बचेगा ये, तो ये हमारे पास रिजल्ट हैं, ठीक है, डायरेक्ट आप इसको निकाल भी सकते हैं। और ये कंडीशन है कि एम वन एम टू हमारे पास बराबर है, देन वी वन जो है बेसिकली हमारे पास। केस नंबर थ्री हमारे पास क्या है, केस नंबर थ्री हमारे पास ये है कि एम वन जो है वो बिल्कुल बहुत छोटा सा है, स्मॉल है, ये हमारे पास है लेट्स से दिस इज आवर एम वन, और एम टू हमारे पास इसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा बड़े हैं, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट हैं। तो अब देख लें एम वन जो है वो लेस लेस वेरी लेस देन एम टू है, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं यू टू ज़ीरो है, इसका मतलब ये जो बॉडी है ये रुकी हुई है। देन अब इसकी वेलोसिटीज ये आ रही है, कैसे आ रही है हमें पता है कि भाई वी वन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एम वन माइनस एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू इंटू यू वन, ठीक है, प्लस टू एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू इंटू यू टू, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हम लोग गौर से देखें तो एम वन की वैल्यू बहुत स्मॉल है, अच्छा यू टू तो ज़ीरो है, अगर आप यहाँ पर यू टू ज़ीरो पुट करेंगे तो ये पूरी चीज़ क्या हो जाएगी, ज़ीरो है ना, ख़त्म हो जाएगी। और एम वन बहुत छोटी है तो इसको आप नेगलेक्ट कर दें, तो यहाँ से एम वन गायब, यहाँ से एम वन गायब, तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस एम टू, तो सिंपल यहाँ बचेगा माइनस एम टू अपॉन एम टू इंटू यू वन, तो ये से कैंसिल ये से कैंसिल, तो ये आ जाएगा माइनस यू वन के बराबर, ठीक है, जो कि यहाँ पर हमने लिखा है। अब ऐसे ही हम लोग यहाँ से वी टू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, वी टू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हमें पता है कि भाई वी टू के लिए फॉर्मूला क्या है, वी टू के लिए फॉर्मूला है हमारे पास टू एम वन ओवर एम वन प्लस एम टू इंटू यू वन प्लस
एम टू माइनस एम वन अपॉन एम वन प्लस एम टू इंटू यू टू। अब क्योंकि यू टू हमारे पास है जीरो, तो फिर से ये वाली पूरी चीज़ गायब हो जाएगी और एम वन हमारे पास है बहुत स्मॉल, ठीक है। तो इसको तकरीबन आप जीरो के बराबर समझें अगर बहुत स्मॉल है, ठीक है। तो जीरो पुट कर दिया तो ये हो जाएगा एम वन प्लस एम टू इंटू यू वन। अब यहाँ से ये टू जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो जवाब आ जाएगा जीरो, और फिर सब कुछ इससे मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, तो यहाँ से हम लोग वी टू की वैल्यू क्या हासिल करेंगे, जीरो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये मैस इससे टकराएगी तो ये पहले भी रेस्ट में थी और ये बाद में भी रेस्ट में होगी, जबकि ये वाली जो मैस है ये वापस घूमकर आ जाएगी। तभी आप देखें डायरेक्शन क्या आ रही है, माइनस, नेगेटिव साइन, ठीक है। तो ये इसकी बेसिकली फिजिकल मीनिंग है। केस नंबर फोर क्या है? केस नंबर फोर में हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास एक मैस है m1, ठीक है, और एक मैस हमारे पास है m2। अच्छा, m1 जो है, ये मैस m1 जो है हमारे पास, ये रेस्ट में है, u1 यहाँ पर जीरो है, ठीक है। तो अब क्या होगा अगर ये इससे टकरा जाए? तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला हमारे पास है वी वन इज इक्वल्स m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, मल्टीप्लाई भी u1 प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई भी u2, ठीक है। अब u1 है जीरो, इसका मतलब ये वाली पूरी टर्म गायब हो जाएगी, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, 2m2। अब एक चीज़ और नोटिस कर लें कि यहाँ पर m1 की जो वैल्यू है वो बहुत छोटी है, तो आप उसको जीरो सपोज कर लें, तो यहाँ पर 2m2 ओवर m1 हमारे पास है जीरो, इसको छोड़ दें, नेगलेक्ट कर दिया क्योंकि बहुत छोटी है m1 की वैल्यू, तो यहाँ पर सिंपल क्या बचेगा, m2, ठीक है, इंटू u2। अब हमारे पास यहाँ पर स्टूडेंट्स, हमारे पास है यहाँ पर जो है m1 इज ग्रेटर देन m2, ये हमारे पास बेसिकली यहाँ पे राइट है कि m1 हमारे पास बहुत ज़्यादा बड़ा है m2 से, क्योंकि हमने इस वाले केस को अभी ऊपर देख लिया है, सही है। सो यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास है m1, ठीक है, और ये हमारे पास है m2 जो कि बहुत स्मॉल है, और अब जो हमारे पास m1 की वेलोसिटी है वो बेसिकली u1 के बराबर है, और हमारे पास जो वेलोसिटी है, और यहाँ पर हमारे पास बेसिकली u2 जीरो के बराबर है, सही है। तो जो m2 की वेलोसिटी है वो ये है, वो हमारे पास है u2, यानी कि एक स्मॉल मैस है जो कि रेस्ट में रखा हुआ है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास यहाँ पर ये इक्वेशन जो है ये फिर से ऐसे ही लिखी जाएगी, ठीक है, ये हमारे पास है m1। अब u2 हमारे पास जीरो है, तो ये वाली वैल्यू जो है ऐसे हो जाएगी जीरो, ठीक है, और m1 क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा है m2 के मुकाबले में, तो यहाँ पे अब m2 जो है गायब हो जाएगा, यहाँ पे आएगा m1, ठीक है, और यहाँ पे भी आ जाएगा m1, ठीक है। अभी m1 से m1 कैंसिल, तो यहाँ बचेगा हमारे पास 2 टाइम्स u2, तो ये हमारे पास आ रही है वेलोसिटी के v1 बराबर है 2 टाइम्स u2 के। यहाँ पर हमारे पास था 1, तो यहाँ पर हम 1 लिख देते हैं, और अल्टीमेटली यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1, ठीक है, u1। सो ये हमने बेसिकली क्या फाइंड आउट कर लिया, हमने यहाँ पर बेसिकली फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। और यहाँ पर हमने बेसिकली क्या किया था, हमने यहाँ पर हमने जो है यहाँ पर m1 माइनस m2 किया था, राइट। तो क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो है m2 की वैल्यू बहुत स्मॉल थी,
तो यहाँ पर ये जीरो हो गया, तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा एम वन, तो ये एम वन से एम वन कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा यू वन, ठीक है। सो वी वन हमारे पास यू वन के बराबर है, राइट। तो यहाँ पे आप लिखेंगे यू वन। अब हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं वी टू भी, ठीक है। तो फॉर वी टू, अगर हमने वी टू फाइंड आउट करना है फॉर वी टू, तो सिंपल है। वी टू के लिए फॉर्मूला क्या था? वी टू के लिए हमारे पास फॉर्मूला बेसिकली 2m1, ठीक है। वी टू हमारे पास बराबर है 2m1 ओवर m1 प्लस m2 इनटू u1, ठीक है, प्लस m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इनटू u2। अब यू टू तो हमारे पास है भाई जीरो, यू टू हमारे पास है जीरो, इसका मतलब ये वाली पूरी टर्म हो जाएगी जीरो। और कंडीशन क्या थी कि एम वन काफी ज्यादा बड़ा है एम टू से, तो इसका मतलब यहाँ पे 2m1 m1 प्लस जीरो, यानी कि एम टू इतना छोटा है कि उसको हमने जीरो सपोज कर लिया, कि एम टू हमारे पास तकरीबन जीरो के बराबर है। इसके मुकाबले में जाहिर बात है बहुत छोटी वैल्यू है, ठीक है। और ये हमारे पास आ जाएगा यू वन के बराबर, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 2m1 अपॉन m1 ये हमारे पास इंटू यू वन वी टू के बराबर। ये m1 से m1 कैंसिल, तो सिंपल वी टू हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, वी टू की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी 2u1 के बराबर, सही है, जो कि हमारे पास यहाँ पर लिखी गई है, राइट। तो ये हमारे पास थे डिफरेंट केसेस इलास्टिक कोलिजन के। तो सिर्फ आपको अगर केस याद हो तो आप खुद भी चीज़ों को ड्राइव कर सकते हैं, राइट। अब हमारे पास एक टॉपिक है जिसका नाम है इंक्लाइंड प्लेन, सही है। इंक्लाइंड प्लेन क्या है बेसिकली? तो इंक्लाइंड प्लेन हमारे पास एक ऐसी प्लेन है जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाती है, सही है। तो इंक्लाइंड प्लेन हमारे पास बेसिकली ये है जो कि एंगल बना रही है इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ, इसको हम कहेंगे थीटा। एनी प्लेन विच मेक्स एन एंगल थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड एन इंक्लाइंड प्लेन, सही है। अ हैवी लोड मे बी रेज्ड मोर इजली बाय पुलिंग इट अलोंग एन इंक्लाइंड सरफेस देन बाय लिफ्टिंग इट वर्टिकली। एक हैवी लोड को इजली जो है वो इंक्लाइंड प्लेन की मदद से रेज यानी कि उठाया जा सकता है, बजाय ये कि उसको हम डायरेक्ट वर्टिकल लिफ्ट करवाएं, सही है। ये काम बहुत मुश्किल है, एक ब्लॉक को डायरेक्ट यहाँ से लिफ्ट करवाना ये थोड़ा मुश्किल है, हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड है फोर्स ज़्यादा, ठीक है। जबकि एक बॉडी इस जो हैवी लोड है उसको इस सरफेस के ऊपर मूव करवाना आसान है। द मोशन ऑफ अ द बॉडी ऑन इंक्लाइंड प्लेन इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, ठीक है। तो जो हमारे पास बेसिकली मोशन है, या इसको आप कह लें एक्सेलरेशन, वो हमारे पास है इंडिपेंडेंट ऑफ मास, बॉडी के मास के इंडिपेंडेंट है, राइट। बॉडी के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, ये आपने याद रखना है। अब हमारे पास जो बॉडी की जो एक्सेलरेशन है, द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी विथ विच इट मूव्स डाउन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन इज, अगर बॉडी मूव करेगी डाउनवर्ड, तो हमारे पास जो उस बॉडी की एक्सेलरेशन होगी इंक्लाइंड प्लेन पर, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, ए इज इक्वल्स जी साइन थीटा माइनस एफ ओवर एम, ठीक है, जब फ्रिक्शन मौजूद हो। और अगर फ्रिक्शन मौजूद नहीं होगा तो फिर ये एफ की वैल्यू यहाँ जीरो पुट करेंगे और ये एम से डिवाइड होगा, तो अल्टीमेटली ये वाली चीज़ गायब हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इफ़ फ्रिक्शन इज नेग्लेजेबल ए इज इक्वल्स जी साइन थीटा, सही है। तो ए इज इक्वल्स जी साइन थीटा। अब अगर हम इसको रिजॉल्व करें यहाँ से, तो हमारे पास एक कंपोनेंट ये बनेगा और एक कंपोनेंट हमारे पास ये बनेगा, ठीक है। और ये एंगल यहाँ से हमारे पास है थीटा, थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर, तो ये बनेगा डब्ल्यू साइन थीटा, थीटा के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, सही है। और ये हो जाएगा डब्ल्यू कॉस थीटा। अच्छा, इंक्लाइंड प्लेन वाले केस में हमारे पास क्या है कि बॉडी वर्टिकल तो मूव नहीं कर रही, इसका मतलब जो रिएक्शन फोर्स है वो बैलेंस है डब्ल्यू कॉस थीटा से, ठीक है। अब बॉडी मूव कर रही है डाउनवर्ड नीचे, तो इसका मतलब है कि डब्ल्यू साइन थीटा इंक्लाइंड प्लेन पर रखी बॉडी को मूव करवाता है, ये या आपने याद रखना है।
ठीक है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एम जी साइन थीटा। तो एम जी साइन थीटा वो फोर्स है जो इंक्लाइंड प्लेन पर रखी हुई बॉडी को मूव करवाता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है, एम डी साइन थीटा। अब अगर हम इसके पर्टिकुलर केसेस की बात करें, तो पर्टिकुलर केस में हमारे पास यहाँ पर दो केस है जिसमें हम एंगल को डिस्कस करेंगे। सही, व्हेन द एंगल ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन इज जीरो, ठीक है, देन एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज जीरो। तो बॉडी की जो एक्सेलरेशन है वो जीरो होगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ए इज इक्वल्स जी, एंगल कितने है 0 डिग्री, तो यहाँ पे आप पुट करेंगे साइन जीरो। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो साइन जीरो की वैल्यू है वो जीरो है। तो इसका मतलब है कि ए हमारे पास यहाँ पे अल्टीमेटली क्या आएगा, जीरो के बराबर। तो अगर सरफेस के साथ एंगल 0 डिग्री बना रहा है, यानी कि पैरेलल है, तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो जीरो आएगी। व्हेन द एंगल ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन इज 90 डिग्री, अगर एंगल 90 डिग्री है, देन द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। द बॉडी मूव करेगी जी से। दिस इज द केस ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी, और ये केस कौन सी होती है, फ्री फॉलिंग वाली कंडीशन होती है। सही है, तो फिर से वही बात कि ए बराबर है जी साइन थीटा के, और अगर एंगल हमारे पास है 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा जी साइन 90 डिग्री। अब साइन 91 के बराबर होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं जी साइन 91। तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा जी, तो ए किसके बराबर है, जी के बराबर है, जो कि फ्री फॉलिंग वाली कंडीशन है। राइट, ए बराबर हमारे पास जी के। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ पर आखिरी बात है, बस वो हम यहाँ पे देखना चाह रहे हैं। अगर आपसे कहा जाए कि हमने एक इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, जो कि एंगल बना रही है जमीन से 35 डिग्री, हमने इस इंक्लाइंड प्लेन से दो बॉल को ऊपर से ड्रॉप किया, ठीक है, और ये सरफेस जो है फ्रिक्शन लेस है, फ्रिक्शन यहाँ पर जीरो है। जब फ्रिक्शन जीरो है, तो आपके पास इक्वेशन कौन सी आएगी, ए बराबर है जी साइन थीटा के। सही है, अब ये कंडीशन बता दी जा रही है कि स्मूथ सरफेस है या फ्रिक्शन नहीं है। दो मासेस को हमने ड्रॉप किया, एक है 10 kg, एक है 100 kg, बताइए उन दोनों की एक्सेलरेशन क्या होगी। तो जवाब है, दोनों मासेस भले से उनके जो मासेस हैं वो मुख्तलिफ हैं, लेकिन उनकी जो एक्सेलरेशन है वो आपके पास सेम आएगी, क्योंकि ए बराबर है जी साइन थीटा के। और एक्सेलरेशन सेम का मतलब ये है कि यहाँ पर मास कहीं पर नहीं है, सिर्फ एंगल है। दोनों बॉडी के लिए एंगल 35 फुट होगा एक्सेलरेशन के लिए, राइट। तो ए जो है, चाहे वो 10 kg मास हो या फिर 100 kg मास हो, सही है, उन दोनों के लिए एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू में इन केस ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, जब फ्रिक्शन फोर्स नहीं हो, तो उस केस में हमारे पास ए जो है वो जी साइन थीटा के बराबर होता है, और एक्सेलरेशन दोनों बॉडी की सेम होती है, राइट। तो ये आपने याद रखना है। तो एक्सेलरेशन ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन इन केस ऑफ फ्रिक्शन लेस सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, ठीक है, तो एक्सेलरेशन जो है वो मास से इंडिपेंडेंट होता है, ये आपने याद रखना है। हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें कहते हैं कि अ बॉल रोल्स डाउन अ फ्रिक्शन लेस। अब देखें, ये आपको कंडीशन बताई जा रही है कि आपने फॉर्मूला कौन सा लगाना है। इंक्लाइंड प्लेन विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 1 m/s² आपके पास ए गिवन है। इफ इट्स वेलोसिटी एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम 10 m/s, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 5 सेकेंड लेटर्स। तो 5 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी, आप ये बता दें। तो सिंपल, ए हमारे पास किसके बराबर है, 1 m/s² के बराबर है। वी आई, जब हमने उस, ठीक है, बॉल को रिलीज किया है इंक्लाइंड प्लेन से, तो वो नीचे आएगी, जाहिर बात है। तो ये हमारे पास है
वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है 10 10 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम हमारे पास है 5 सेकेंड के बराबर। तो कहते हैं कि बताएं उसकी जो वेलोसिटी है फाइनल, यानी कि 5 सेकेंड के बाद वो क्या होगी, ये बताना है। तो वी एफ इज इक्वल्स वी आई प्लस ए टी। अब एक्सेलरेशन हमारे पास है 1 और टाइम कितना है हमारे पास 5। चलें पुट करते हैं इसको। तो वी आई की वैल्यू हमारे पास 10 है, ए हमारे पास कितना है 1 और टाइम कितना है हमारे पास 5। सो दिस विल बिकम वी एफ इज इक्वल्स 10 प्लस 5, सही है। इसको ऐड अप करेंगे तो ये आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास बॉडी की वेलोसिटी होगी आफ्टर 5 सेकेंड, 5 सेकेंड के बाद, जो कि हमारे पास राइट आंसर है सी, 15 मीटर पर सेकेंड। अब ऐसे ही हमारे पास एक और क्वेश्चन है जिसमें कहते हैं कि अ बॉल रोल्स डाउन अ फ्रिक्शन लेस, ठीक है। एक बॉल है हमारे पास जो कि रोल डाउन हो रही है फ्रिक्शन लेस इंक्लाइंड प्लेन पर विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इफ इट्स वेलोसिटी इज 1 मीटर पर सेकेंड, हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 10 सेकेंड, कितना वो फासला कवर करेगी 10 सेकेंड के बाद, हमने बेसिकली अब ये बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे डेटा अरेंज करेंगे और यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वेलोसिटी हमारे पास है इनिशियल 1 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना है हमारे पास, टाइम हमारे पास है 10 सेकेंड के बराबर, राइट। अब हमने यहाँ पर एस फाइंड आउट करना है कि बॉडी ने कितना फासला कवर किया। देखें हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, 2as राइट इज इक्वल्स वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब हमें पता है कि ए किसके बराबर है इन केस ऑफ इंक्लाइंड प्लेन, ए हमारे पास बराबर है जी साइन थीटा के, राइट। लेकिन हम यहाँ पर जी साइन थीटा यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता है कि ए हम फाइंड आउट कर सकते हैं वी एफ इज इक्वल्स वी आई प्लस ए टी इस फॉर्मूले से। सो वी एफ की वैल्यू हमारे पास क्या होगी अल्टीमेटली, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है इस फॉर्मूले में कि यहाँ पर हमारे पास है वी आई, बट वी डोंट नो एनी इंफॉर्मेशन ऑफ वी आई ओवर एयर, वी एफ ओवर एयर, सही। हमें यहाँ पर वी एफ के बारे में नहीं पता, तो लिहाजा ये फॉर्मूला भी अप्लाई नहीं हो सकता। तो इसका मतलब यहाँ पर वी एफ है जो कि हमें मालूम नहीं है, तो हमें इस वी एफ से बचना है। तो अब इस वी एफ से बचने के लिए हमें कोई ऐसी इक्वेशन देखनी होगी जहाँ पर वी एफ नहीं आता है। तो फर्स्ट में भी आता है और थर्ड में भी आता है, सेकेंड में नहीं आता। इसका मतलब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। वो क्या है, एस इज इक्वल्स वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। सो वी आई की वैल्यू हमारे पास 1 और टाइम कितना है हमारे पास 10 प्लस हाफ ए की वैल्यू हमारे पास है 1 एंड टाइम कितना है हमारे पास 10 और ये आप करेंगे 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 प्लस हाफ 10 प्लस हाफ, ठीक है, 10 प्लस हाफ और ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100, ठीक है। कैंसिल करवाएंगे इसको तो ये हो जाएगा एस इज इक्वल्स 10 प्लस, ये कैंसिल करेंगे 2 के टेबल से तो ये हो जाएगा 50 और सिंपली इसको आप ऐड करेंगे जवाब कितना आ जाएगा 60 मीटर, जो कि हमारे पास है सी राइट आंसर 60 मीटर, राइट। अगर आपको मजीद प्रैक्टिस करने हो, क्वेश्चन बैंक चाहिए हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। होप सो आपके सब समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।